आर्मी हो, जम्मू कश्मीर पुलिस हो, हमारे अर्धसैनिक बलों के जवान हो या अधिकारी हो, जिस प्रकार से देश की सेवा किया है उसके लिए राष्ट्र सदैव इनका कृतज्ञ रहेगा। मैं एक बार पुनः बीएसएफ के सभी नवारक्षियों तथा उनके परिजनों को हृदय से बधाई देना चाहता हूं और अपनी ओर से शुभकामना देता हूं। महानिरीक्षक श्री प्रदीप कात्याल तथा ट्रेनिंग सेंटर के सभी अधिकारियों एवं कर्मियों को सतर्क सीमा प्रहरियों को तराशने के लिए भी मैं बधाई देता हूं। बीएसएफ दिन पर दिन मजबूत हो, उसका शौर्य बढ़े, ऐसी मैं कामना करता हूं। बहुत बहुत इसकी सीमाओं की सुरक्षा के लिए जिसे एक समर्पित फोर्स की जरूरत थी, उसे खून पसीने और सैकड़ों बहादुर जवानों अफसरों के त्याग ने पोषित किया है। अपनी स्थापना के बाद से ही देश के सीमा प्रहरी तथा बाद में आंतरिक सुरक्षा स्थापित करने में बीएसएफ ने बढ़ चढ़ करके अपना योगदान दिया है। हमें नहीं भूलना चाहिए कि आज जब हम सब यहाँ दीक्षांत समारोह के अवसर पर इकट्ठे हुए हैं तो आप में से बहुत से बहादुर सीनियर्स कठिन इलाकों और बॉर्डर की विपरीत परिस्थितियों में सीमाओं की रक्षा कर रहे होंगे। अगर मैं जम्मू कश्मीर का जिक्र करूं तो ये कहना अत्यंत आवश्यक है कि आत्मशक्ति और संकल्प शक्ति से 1969 से ही जम्मू कश्मीर में शांति व्यवस्था के लिए बीएसएफ ने अभूतपूर्व योगदान दिया है और अनेकों बलिदान किया है। बॉर्डर की सुरक्षा के साथ सीमावर्ती गांवों में जिस निस्वार्थ भाव से बीएसएफ ने अपने नैतिक दायित्वों का निर्वहन किया है उसकी जितनी भी सराहना की जाए वो कम है। चाहे वो कश्मीर घाटी में डीडीसी के शांतिपूर्ण चुनाव हो, कोरोना के कालखंड में जनसेवा के कार्यक्रम हो, या सीमा पार से हो रही घुसपैठ तथा ड्रग्स की तस्करी को रोकने का काम हो, बीएसएफ ने अपनी सभी जिम्मेदारियों को सफलतापूर्वक निर्वहन किया है। साथियों, संकट की परिस्थितियों में आप सभी ने सीमावर्ती गांवों के नागरिकों को जिस प्रकार से सेवा दी है उस पर पूरे देश को गर्व है। आज अगर सीमावर्ती गांवों के नागरिक बेखौफ होकर तरक्की के सफर में अपना योगदान दे रहे हैं तो उसके पीछे बीएसएफ तथा सुरक्षा बलों का त्याग और वीरता है। साथियों, जम्मू कश्मीर विविधताओं से भरा हुआ एक यूनियन टेरिटरी है। यह विविधता ही हमारी ताकत है। एकता के सूत्र में बंधकर हम एक मजबूत कड़ी की तरह तरक्की की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हमने सभी चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना किया है और सुरक्षा बलों ने जागरूक रहकर नए जम्मू कश्मीर के सफर में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। राष्ट्र विरोधी तत्वों के सफाये के लिए जहां हम पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं और इस अवसर पर मैं आप सबसे आग्रह करना चाहता हूं कि जिस तरह पिछले 57 सालों से बीएसएफ ने अपनी कर्तव्य निष्ठा की परंपरा का निर्वहन किया है और आगे भी चौकन्ना रहकर निश्चित रूप से आप इस काम को आगे बढ़ाएंगे ताकि कोई दुश्मन हमारी सीमाओं का अतिक्रमण न कर सके। मित्रों, व्यवस्था किया जाए, जम्मू कश्मीर में ये कोशिश अनवरत रूप से जारी है। चाहे वो भ्रष्टाचार हो, टेरर फाइनेंसिंग हो और आतंक के समूचे इकोसिस्टम पर करारा प्रहार करना, भयमुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त और एक विकसित समाज की स्थापना करना, ये जम्मू कश्मीर प्रशासन का उद्देश्य है। साथियों, ड्रग एडिक्शन हमारे युवाओं के लिए आज एक सबसे बड़ा अभिशाप बनकर उभरा है। पड़ोसी मुल्क के षड्यंत्र को नाकाम करने में आप सबकी भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। मुझे उम्मीद है कि सीमा के उस पार से कराई जा रही ड्रग तस्करी पर बीएसएफ के हमारे बहादुर जवान और अधिकारी अनवरत प्रभावी नियंत्रण करते रहेंगे। मैं सभी नव आरक्षियों से भी कहना चाहता हूं कि सर्वोत्कृष्ट बल के प्रहरी के रूप में आपका भविष्य चुनौतियों से भरा हुआ है। इन चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना करने के लिए आपको समर्पण तथा समझदारी से कार्य करना होगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि सहायक प्रशिक्षण केंद्र उधमपुर ने अपने उच्च स्तरीय प्रशिक्षण के द्वारा आपको प्रतिकूल परिस्थितियों में भी सभी बाधाओं का सामना करते हुए सक्षम बनाया होगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि कार्य क्षेत्र में आपकी बहादुरी और दृढ़ निष्ठा से आने वाले वर्षों में बीएसएफ में शामिल होने वाले जवानों को भी निश्चित रूप से प्रेरणा मिलेगी।
इस दीक्षांत समारोह के सभी नव आरक्षियों से मैं कहना चाहूंगा कि आपके फोर्स की वर्दी शांति की रक्षा, उसके पोषण, विकास और हमारे संकल्प का भी प्रतीक है। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी अक्सर एक बात कहते थे, राष्ट्रे जागरम वयम यानि, हम राष्ट्र में जागते रहें, ये हमारे पुरखों का, पूर्वजों का मूल मंत्र है। उन्होंने परमात्मा से संपत्ति नहीं मांगी बल्कि जागरण, जागृति मांगी, ताकि हमारी मातृभूमि पर कोई धोखे से आक्रमण न कर सके। और यही जागरण, यही जागृति हमारी सीमाओं की सुरक्षा की कुंजी है। आप सभी को भविष्य में जागृति के साथ मातृभूमि की सेवा में योग्यता एवं कर्तव्य निष्ठा के उच्चतम मानदंड स्थापित करने हैं। भारतवर्ष हमेशा से शांतिपूर्ण, सहअस्तित्व, आपसी सद्भाव के मूल्यों को लेकर विकास के रास्ते पर चलता रहा है। शांति और सहअस्तित्व ये हमारा संकल्प है, लेकिन अगर किसी ने हमारे इस संकल्प के परीक्षा लेने की कोशिश की तो उसे मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भी यह देश कृत संकल्प है। आर्मी हो, जम्मू कश्मीर पुलिस हो, हमारे अर्धसैनिक बलों के जवान हो, अधिकारी यहाँ पर उपस्थित, सम्मानित अतिथिगण, सभी उपस्थित नौ आरक्षियों के अभिभावक, बीएसएफ के बहादुर जवानों, मीडिया के मित्रों, देवियों तथा सज्जनों, आज के दीक्षांत परेड की सलामी लेते हुए मुझे प्रसन्नता के साथ साथ गर्व की भी अनुभूति हो रही है। मैं सभी युवा नव आरक्षियों को उनके बुनियादी ट्रेनिंग के सफल समापन पर उन्हें हार्दिक बधाई देता हूँ। भारती की आन बान और शान के लिए ये बहादुर जवान किसी भी परिस्थिति का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से सक्षम हैं और तैयार हैं। समूचा देश इस बात का साक्षी है कि पहाड़ हो, मैदान हो, रेगिस्तान हो, घने जंगल हो, हमारे बीएसएफ के जवान हर परिस्थिति में राष्ट्र की सुरक्षा और मानव सेवा के संकल्प के साथ जुटे हुए हैं और हमारी संप्रभुता और अखंडता के खिलाफ हर खतरे का मुकाबला पूरी शिद्दत से कर रहे हैं। साथियों, जीवन पर्यंत कर्तव्य, यह सिर्फ बीएसएफ का मूल मंत्र नहीं है बल्कि मैं कहूँगा कि आप सबका आइडेंटिटी कार्ड भी है। मैं स्वयं को भाग्यशाली मानता हूँ कि शक्ति, कार्य परायणता, शौर्य तथा समर्पण के लिए प्रसिद्ध इस फोर्स के नव आरक्षियों तथा अधिकारियों के साथ मुझे उपस्थित होने का अवसर मिला है। मैं मानता हूं कि आज का दिन सभी 636 बहादुर नौजवानों के लिए खास है, क्योंकि अब ट्रेनिंग पूरी करके आप सुरक्षा प्रबंध के अटूट हिस्से बनने जा रहे हैं। सीमा प्रहरी के रूप में अब हर पल आपका कर्तव्य मातृभूमि की रक्षा की शक्तिशाली कड़ी को और मजबूत करना होगा। साथियों, जाबाज पुलिस ऑफिसर के एफ रुस्तम जी की छत्रछाया और मार्गदर्शन में विकसित बीएसएफ के शुरुआती दिनों की यूं तो कई कहानियां स्मरणीय हैं, लेकिन एक वाक्य हमेशा देश याद करता है। मुझे स्मरण है जब इस फोर्स का गठन करने के लिए मई 1965 में दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई थी, तब रुस्तम जी ने इसका सबसे ज्यादा विरोध किया था और कुछ दिन बाद उन्हें ही बुलाकर इस फोर्स का गठन करने की जिम्मेदारी